वाह, व्हाट अ नेकलेस! वैसे रानी वाली फीलिंग आ रही है ना? अब फीलिंग रानी वाली है तो हम आपको लेकर चलते हैं महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य की बर्थडे पार्टी में। अरे अरे, कंफ्यूज मत होइए, हम आपको लेकर जा रहे हैं कार्तिकेय की बर्थडे पार्टी में, जिन्होंने हमारे साथ, हमारी टीम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके गुरु यानी कि चाणक्य भी मौजूद थे। सेलिब्रेशन तो बनता ही है, क्योंकि छोटा शनि अब बड़ा जो हो गया है। सास बहू और सस्पेंस टीम के साथ कार्तिकेय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, जहां गुरु ने अपने शिष्य के लिए जलाई कैंडल। केक के ऊपर कैंडल जल रही है तो फटाफट काम करते कार्तिकेय, आप जरा फटाफट पहले इसे फूंक मार के बुझाइए। मैं जानता हूं कि कार्तिकेय पहला केक मुझे देंगे, लेकिन नहीं, बगल में पिताजी खड़े हैं, पहला हक पिताजी का है। हाँ, मेरा बच्चा है। गुरु शिष्य का ये प्यार देखकर हम भी इमोशनल हो गए। लेकिन सर, अब जरा कार्तिकेय से उसकी विश तो पूछ लीजिए। जन्मदिन पे एक विश मांगो, भगवान कभी कभी पूरी कर देते हैं। माता सरस्वती जबान पे आती है। अगर ऐसी बात है तो मैं तो सबसे पहले यही चाहूंगा कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बनूं, सबसे पहले गुड एक्टर। वो तुम बन चुके हो। नहीं, पर बड़े हो के भी। अबे लल्लू, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने की बात कर, बोल। हम सांप, बिच्छू, छिपकली जितने भी है ना, सांप, ये शो, उन सबसे ऊपर हमारी टीआरपी, ये बोल। गुरु ने राह दिखाई तो चेले ने तुरंत ही अपनी बात बदल दी और दिल की बात जुबान पर आ गई। नहीं, उसमें भी मैं आने वाला था, क्योंकि सेकंड विश मेरी वही थी। पर हाँ, हमारे शो की टीआरपी इतनी आसमान छुए कि वो नागिन को भी पीछे छोड़ दे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सांप बिच्छू छिपकली बोलेंगे। मैं सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और आप ऐसे ही, जैसे आप लोगों ने शनि देखा, आपने हम दोनों की, महादेव और शनि की जोड़ी देखी, अब आप चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य पर 14 नवंबर से रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर। कार्तिकेय, हम आपके दिल के जज्बात समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। फिलहाल तो आप अपना बर्थडे एंजॉय कीजिए। मुंबई से हिमांशु असवाल की रिपोर्ट।